आप भी अपनी जीमेल आईडी से किसी भी फाइल या किसी भी डॉक्यूमेंट का लिंक सेंड करना चाहते हैं, वो भी अपने मोबाइल से। मान लीजिए हमारे पास मल्टीपल फाइल्स हैं, मान लीजिए हमारे पास काफी सारी फाइल्स हैं, काफी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जिन्हें हम एक साथ शेयर नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम उनका लिंक जनरेट करते हैं। एक बार हमारे दिमाग में ये भी बात आती है, यार लिंक ही क्यों जनरेट करना है, डायरेक्ट हम फाइल भी तो सेंड कर सकते हैं। सपोज दैट आपको एक फाइल सेंड करनी है और उस फाइल का साइज 5 से 7 MB का हो रहा है, ऐसे में आपने वो अटैचमेंट पर अटैच कर दी है। जैसी आपकी फाइल को अटैच होते होते 20 से 25 मिनट हो गए, अब वो लास्ट में क्या करेगा, आपको एरर दिखा देगा। एक तो आपकी फाइल भी सेंड नहीं हुई और आपका टाइम भी वेस्ट हो गया। इसलिए हम किसी भी फाइल, किसी भी डॉक्यूमेंट, हमारे पास मल्टीपल फाइल्स होती हैं, उनका एक लिंक जनरेट कर लेते हैं और उसको हम बहुत इजी तरीके से व्हाट्सएप, ईमेल, कहीं पर भी सेंड कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ आप किसी भी फाइल, किसी भी डॉक्यूमेंट का लिंक जनरेट कैसे कर सकते हैं और उसको सेंड कैसे कर सकते हैं। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं कोई इस प्रकार का वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो चलिए हम आ जाते हैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर। अब मैं आपको बताऊंगा आप किसी भी फाइल या किसी भी डॉक्यूमेंट का लिंक कैसे जनरेट कर सकते हैं और उसको कैसे शेयर कर सकते हैं। उसके लिए हमें अपने गूगल ड्राइव पर आ जाना है। ऑलमोस्ट सभी के फोन में मिल जाता है गूगल ड्राइव, तो चलिए मैं अपने गूगल ड्राइव को ओपन कर लेता हूँ। अब जैसे ही आप यहाँ पर अपना गूगल ड्राइव ओपन करते हैं, आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलने वाला है। अब मान लीजिए आपको यहाँ पर सबसे पहले अपनी फाइल, फोटो या डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर एक प्लस का आइकन दिख रहा होगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, आपको यहाँ पर काफी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। एक ऑप्शन आपको मिल जाता है, आप यहाँ पर फोल्डर बना सकते हैं, फोल्डर का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है। और दूसरा ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल रहा होगा अपलोड, आप यहाँ पर क्लिक करके अपना फोटो, डॉक्यूमेंट, फाइल कुछ भी यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं और उसका लिंक जनरेट करके उसको शेयर कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने एक इमेज को यहाँ पर पहले से अपलोड करके रखा हुआ है ताकि ज्यादा टाइम हमारा वेस्ट ना हो। अब मान लीजिए आपने यहाँ पर कोई भी फाइल, कोई भी डॉक्यूमेंट या इमेज आपने अपलोड कर लिया है, उसके बाद हम यहाँ पर शेयर कैसे कर सकते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो जैसे आप यहाँ पर अपलोड करते हैं और उसका अपलोडेड कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आपको यहाँ पर 3 डॉट का एक ऑप्शन देखने को मिलता है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, आपको यहाँ पर काफी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख भी रहे होंगे। काफी सारे हमारे भाई यहाँ पर क्या करते हैं, आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा कॉपी लिंक, वो यहाँ से कॉपी करते हैं और शेयर कर देते हैं। अब मान लीजिए आपने तो किसी भी फाइल का लिंक शेयर कर दिया, अब जिस पर्सन को आपने वो शेयर किया है वो उस लिंक से कुछ भी डाउनलोड नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके पास वो एक्सेस नहीं है जिससे वो डाउनलोड कर सकता है। तो इसलिए मैं आपको लिंक को प्रॉपर तरीके से जनरेट करना बताऊंगा, तो वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखना है। तो प्रॉपर तरीके से लिंक को जनरेट करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा शेयर, आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलने वाला है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा मैनेज एक्सेस, आपको यहाँ पर लॉक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आपने यहाँ पर लॉक वाले ऑप्शन पर क्लिक किया है, आपके सामने यहाँ पर एक ऑप्शन और देखने को मिल जाता है कॉपी का, आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ से हमें कॉपी नहीं करना है, हमें लिंक को प्रॉपर तरीके से जनरेट करना है, तो उसमें भी थोड़ा सा काम बाकी है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से हम कर सकते हैं। आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा चेंज, आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, आपके सामने एक एरो का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप यहाँ पर एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा एनीवन विद द लिंक, आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आपने एनीवन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दिया है, अब आपको इंपॉर्टेंट काम यहाँ पर करना है, आपको यहाँ पर व्यूअर का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, आपको इस एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, आपके सामने यहाँ पर 3 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। पहला है व्यूअर, अगर आप इस पर क्लिक करके लिंक को शेयर करते हैं तो जिस पर्सन को आप शेयर कर सकते हैं वो सिर्फ उस लिंक को देख सकता है, ना कि डाउनलोड कर सकता है, ना कुछ उसमें एडिट कर सकता है। अगर आप चाहते हैं जिस पर्सन को आप वो लिंक शेयर कर रहे हैं वो उसको एडिट कर सके, डाउनलोड कर सके, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है एडिटर पर। तो चलिए मैं यहाँ पर एडिटर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूँ, तो आप यहां पर देख सकते हैं परमिशन अपडेटेड हो चुकी है। अब जैसे ही मैंने यहां पर एडिटर वाला ऑप्शन चुन लिया है, तो यहां पर जैसे ही मैं लिंक को शेयर करूंगा तो वो डाउनलोड भी कर सकता है, एडिट भी कर सकता है, कुछ भी उस फाइल के साथ कर सकता है। तो आपको यहां पर एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा लिंक कॉपी करने का, आपको इस पर क्लिक कर देना है और लिंक को कॉपी कर लेना। आप यहां पर देख सकते हैं लिंक कॉपीड, अब यहां से हमारा लिंक कॉपी हो चुका है। अब हम चाहें तो व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, ईमेल पर शेयर कर सकते हैं, मैसेंजर पर भी शेयर कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से अपनी किसी भी फाइल, किसी भी डॉक्यूमेंट का लिंक जनरेट कर सकते हैं और उसको शेयर कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ शेयर कैसे करना है। तो चलिए मैं आपको इसको व्हाट्सएप पर शेयर करके दिखाता हूँ आप किस तरीके से शेयर करते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको अपना व्हाट्सएप ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको थोड़ा सा टैप करके रखना है, और जैसे ही आप यहाँ पर टैप करके रखते हैं आपके सामने यहाँ पर पेस्ट का ऑप्शन आ जाएगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। और आपने जैसे ही यहाँ पर पेस्ट पर क्लिक किया, आपने जो वो लिंक कॉपी किया था वो यहाँ पर आ चुका है और मैं यहाँ से इसको सेंड कर देता हूँ।
तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरीके से आप शेयर भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक जरूर से करके जाना, और वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपकी कमेंट का रिप्लाई करूंगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब भी मैं कुछ प्रकार का वीडियो बनाऊँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।